बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने थर्ड वेंट्रिकल के बारे में पढ़ना है। थर्ड वेंट्रिकल को पढ़ने से पहले आप लोगों को इसकी लोकेशन का पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें आपको ये जो ये सारी मीडियल सरफेस ऑफ द ब्रेन नज़र आ रही है, इसमें ये जो स्ट्रक्चर है इट इज़ द थैलमस एंड इससे नीचे हाइपोथैलमस है। एक्चुअली दोनों तरफ के जो थैलमस है इनके दरमियान में जो स्लिट लाइट लेफ्ट है डैट इज़ द थर्ड वेंट्रिकल, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे दोनों साइड के सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स को आपस में कनेक्ट करें, ठीक है, दीज आर द राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स और इनके दरमियान में ये दोनों थैलमस के दरमियान में जहाँ पे मेरा बॉल पॉइंट वाली जगह है इसके दरमियान में ये जो क्लेफ्ट लाइक स्पेस होगी उसको हम कहेंगे डैट इज़ द थर्ड वेंट्रिकल। अब थर्ड वेंट्रिकल की डिफरेंट बाउंड्रीज हैं, उसमें सबसे पहले जो है एंटीरियर वॉल। एंटीरियर वॉल जो है इस जगह पे थर्ड वेंट्रिकल होगा। अब एंटीरियर वॉल इज़ फॉर्म बाय द लेमिना टर्मिनलिस, एंटीरियर कोमिशर एंड एंटीरियर कॉलम ऑफ फोर्निक्स और पोस्टीरियर वॉल, ठीक है। दिस इज़ द पोस्टीरियर वॉल। पोस्टीरियर वॉल जो है इट इज़ फॉर्म बाय द हेबिन्यूलर कोमिशर, ये हेबिन्यूलर कोमिशर है, पाइनियल बॉडी, पोस्टीरियर कोमिशर एंड सेरिब्रल एक्वीडक्ट, दिस इज़ द पोस्टीरियर वॉल। देन इज़ द इन्फीरियर वॉल, ये इन्फीरियर वॉल है। इन्फीरियर वॉल इट इज़ फॉर्म बाय द ऑप्टिक क्यास्मा, इन्फेंडिबुलम, इस इन्फेंडिबुलम के साथ ट्यूबर साइनेरियम अटैच होता है और ट्यूबर साइनेरियम के साथ पिट्यूटरी ग्लैंड अटैच होता है, ठीक है। उसके बाद मेमिलरी बॉडीज एंड टेगमेंटम ऑफ मिड ब्रेन, दिस इज़ द इन्फीरियर वॉल। देन इज़ द सुपीरियर वॉल। अब सुपीरियर वॉल में जो चीज़ें आ जाती हैं हमारे पास आ जाते हैं कोराइड प्लेक्सिस, फोर्निक्स और कॉर्पस कैलोजम। अब कोराइड प्लेक्सिस जो है वो कैसे बनता है, एक्चुअली जो है जो सुपीरियर वॉल जो होती है जो वो इट इज़ लाइन बाई अपेंडाइमा, और ये जो अपेंडाइमा है ये लाइनिंग ऑफ वेंट्रिकल के साथ कॉन्टीन्यूस हो जाती है। उसके ऊपर जो है वो अपेंडाइमा के ऊपर जो है वो पाय मैटर जो है वो बना देती है डबल लेयर ऑफ डबल फोल्ड बना देती है, ठीक है। ऐसे आती है और इस तरह एक फोल्ड बना देती है, इस तरह ये जो फोल्ड बनाती है इसको हम कहते हैं टीला कोराइडिया। और इस टीला कोराइडिया के अंदर जो है वेसल्स होती हैं। अब ये जो टीला कोराइडिया है ये प्रोजेक्ट डाउन करती है ऑन ईच साइड ऑफ मिड लाइन, ठीक है। यहाँ पे ईच साइड ऑफ द मिड लाइन जब ये टीला कोराइडिया प्रोजेक्ट डाउन करती है तो ये साइड ऑफ द मिड ब्रेन को इन्वेजिनेट करती है और यहाँ पे ये बना देती है कोराइड प्लेक्सिस। तो हमें यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर नज़र आएगा डैट इज़ अ कोराइड प्लेक्सिस, ठीक है। और इसके अंदर जो है वो इंटरनल सेरिब्रल वेन्स होती हैं टीला कोराइडिया के अंदर। नेक्स्ट जो है उसके बाद हमारे पास कौन सी वॉल रहेगी, लेटरल वॉल। अब लेटरल वॉल जो है वो कैसे बनेगी, जैसे फॉर एग्जांपल इस जगह पे जो है थर्ड वेंट्रिकल है तो ये वाली जो सारी जगह है ये क्या बनाएगी, लेटरल वॉल बनाएगी। अब लेटरल वॉल जो है इट इज़ फॉर्म बाय थैलमस सुपीरियरली एंड हाइपोथैलमस इन्फीरियरली एंड दिस इज़ द स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर इज़ कॉल्ड हाइपोथैलमिक सल्कस विच सेपरेट्स द थैलमस एंड हाइपोथैलमस। और ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं इंटरथैलमिक एडहियन। ये इंटरथैलमिक एडहियन जो है ये राइट एंड लेफ्ट जो है थैलमा ही है। इस तरह अगर हम आपस में इसको कनेक्ट करेंगे तो आपस में राइट और जो लेफ्ट साइड के थैलमाई हैं इनको ये आपस में कनेक्ट कराएगा। दीज आर द वॉल्स ऑफ द वेंट्रिकल, दिस इज़ द एंटीरियर वॉल, ये पोस्टीरियर वॉल है, ये सुपीरियर वॉल थी, ये वाली इन्फीरियर वॉल है और ये वाली लेटरल वॉल। अब इसके कम्युनिकेशन क्या है, अब ये जो थर्ड वेंट्रिकल है ये कम्युनिकेट करता है विद द लेटरल वेंट्रिकल थ्रू द इंटरवेंट्रिकुलर फोरामिना। इस जगह पे इंटरवेंट्रिकुलर फोरामिना होता है जिसको हम फोरामिना ऑफ मोनरो भी कहते हैं और जो लेटरल वेंट्रिकल है वो सेरिब्रम में पड़ा हुआ है। अच्छा, उसके बाद जो पोस्टीरियरली ये थर्ड वेंट्रिकल कम्युनिकेट करता है विद द फोर्थ वेंट्रिकल, यहाँ पे फोर्थ वेंट्रिकल है, थ्रू द सेरिब्रल एक्वीडक्ट, दिस इज द सेरिब्रल एक्वीडक्ट।